हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए, हम ये ब्यूटीफुल ड्रेस बना के लाए हैं जन्माष्टमी स्पेशल, और ये लोटस ड्रेस बनाई है और बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हो विदाउट स्विंग मशीन के, बिना सिलाई मशीन के हाथ से वो भी बनाई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बकरम लिया है और ये पेस्टिंग बकरम है, हार्ड वाला बकरम लिया है। देखिए, एक तरफ साइन कर रहा है और एक तरफ ये विदाउट साइन वाला है, तो ये हमने लिया है। और ये मैंने सनील का कपड़ा लिया है जो कि बहुत ही हल्का है। देखिए, बहुत ही हल्का है, आप इसको पहना सकते हो, गर्मी में भी पहना सकते हैं ठाकुर जी को। तो अब इससे हम बनाएंगे, तो हमें इसको पेस्ट करना रहेगा। तो पहले हम इसका सर्कल कट करेंगे। तो देखिए, मैंने ये प्लेट ली है, इसकी मैंने डायमीटर ये 9.5 लिया है। इसी साइज का हम कट करेंगे। हम ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करके कट कर लेते हैं। तो हम ये पूरा ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने ये जो वेलवेट का कपड़ा लिया है, इसको इसमें पेस्ट करना रहेगा। तो ये हमने देखिए उल्टा इसको किया है, ये मेरा बैक का रहेगा और ये जो हमारा जो साइन वाला है वो इसके अंदर रखेंगे। और इस पर अब हम आयरन करेंगे, तो इसको हम आयरन करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसे आसानी से ये पेस्ट हो जाता है, तो हम इसको आयरन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने ये कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करके हम इसका मिड का सर्कल निकालेंगे, जो लड्डू गोपाल के कमर का साइज़ होगा। तो हम ये ऐसे देखिए फोल्ड करेंगे, तो 2 टाइम हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद बराबर से रख के अब इसमें हमें ड्रॉ करेंगे निशान। तो हम ये 1/2 इंच इसका हम अब देखिए इसको हम जो हमने सर्कल बनाया है उसको हम कट कर लेंगे, और कट करके फिर इसको हम सीधा करके फिर मिड में कट लगाएंगे। तो देखिए, अब हम इसमें 2 इंच निशान लगाएंगे, और निशान लगा के अब इसको हम कट कर लेंगे, जिससे आसानी से लड्डू गोपाल इसको पहन लें। तो अब यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे। अब देखिए, हमने ये ओरेप पट्टी ली है रेड वेलवेट की, और इससे हम अब इसकी कमर नापेंगे। तो ये हमने देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच तक ली है। ये देखिए 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और इसकी लेंथ जो है वो हमने 5.5 से एक्स्ट्रा ली है, जो हमारे राउंड में लग जाएगा। तो ये 5.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हमें निडल और थ्रेड के हेल्प से हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ से अब हमें पूरा राउंड में सिलाई कर लेनी है। तो हम इसको देखिए पक्का जैसे करते हैं वैसे हमें करना है, और मैचिंग का थ्रेड लेना है, और फिर हम इसमें पूरा राउंड में सिलाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो साइड में हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम सिलाई में सिलते हैं सिलाई मशीन पे, सेम प्रोसेस है, हमें हाथ से सिलना है। तो हम इसको देखिए ऐसे करके पूरा राउंड में सिलते हुए कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम ये सिल रहे हैं ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये पूरा हमें जैसे हमने ये गोलाई में सिला है, सेम प्रोसेस है, ऐसे राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, हमने ये इसको राउंड में पूरा कंप्लीट कर लिया है, ऐसे सिल लिया है। अब इसको हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए हम इसको अंदर लाएंगे।
ऐसे करके बाहर निकालेंगे बैग से, ठीक है। और निकालते हुए हमें इसको फोल्ड करते हुए इसमें पहले डोरी डालनी है, और डोरी डालते हुए हमें इसको तुरपाई हम करेंगे, ठीक है। जो हैमिंग होती है सीम, वही हमें करना है जिससे हमारा ये थ्रेड दिखे नहीं। तो हम इसको ऐसे देखिए, हम इसमें जो हमारी डोरी है उसको डाल देंगे मिड में, और डाल के हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम सिलाई कर लेंगे, तो हम इसको सिल लेते हैं। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो हम ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने इसकी चौड़ाई ली है, और इसकी लेंथ हमने 15 इंच ली है। और यहाँ पे अब हम इसमें ग्लू लगा रहे हैं, और ग्लू लगा के हम इसको डोरी को पहले इसमें पेस्ट करेंगे, और फिर हमें इसको राउंड में इसको घुमाना है। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे राउंड में इसको गोलाई में ऐसे करके कवर करना है। तो ये कुछ इस तरह से राउंड में आना चाहिए। तो इस तरह से पूरी स्ट्रिप हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक साइड हमने लगा लिया है, सेम प्रोसेस से हमें दूसरी साइड लगाना है। तो हमने येलो कलर का भी स्ट्रिप इसी तरह से कंप्लीट किया है। अब दोनों को हमें पहले ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करके पहले हम इसको सिल लेंगे। जैसे हम इसको फोल्ड करें तो ये कहते हैं खुले नहीं, तो हम ऐसे पहले दोनों को ज्वाइन करके सिल करके फिर कट कर लेंगे। फिर देखिए दोनों पार्ट को ऐसे घुमाना है, घुमा करके हमें इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे करके स्ट्रिप एक कंप्लीट करनी है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हमें वहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट हम ऐसे पकड़ेंगे, एक खुला साइड और उसको ऊपर रखना है, और नीचे वाले को फोल्ड करके नीचे रखना है। अब यहाँ पे हमें इसको ऐसे करके पेस्ट कर देना है। तो हम इसको ग्लू जो है फेविबॉन्ड उसी से पेस्ट कर देंगे, जिससे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम पहले पेस्ट कर देते हैं। तो ग्लू लेंगे, और यहाँ पे अब हमें ऐसे करके इसको पेस्ट कर देना है। तो एक साइड इधर लगा देना है, एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हम स्टोन चेन लेंगे, और इसको हमें ऐसे करके पेस्ट करना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम पहले डेकोरेट कर लेंगे, एक लाइन इसकी लगाएंगे, फिर हम पैच की लगाएंगे। तो ऐसे करके हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब स्टोन हमने ये पैच लिए हैं, इसको ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, और फिर हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे स्टोन चेन की। तो ऐसे करके हम 2-3 रो ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम पैच बनाएंगे। तो देखिए पैच बनाने के लिए हमने ये बकरम लिया है, बकरम जो है उसी के ऊपर हमने रेड स्टोन पैच लगाया है। और रेड स्टोन लगाने के बाद फिर इसमें हम ये जर्कन की चेन इसमें राउंड में लगाएंगे 3 लेयर। तो ऐसे करके जैसे हम ये लगा रहे हैं ऐसे 3 लेयर लगा लेंगे। तो ऐसे करके कम्प्लीट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने ये एक पैच कंप्लीट कर लिया है। अब लोटस हम पैच बनाएंगे तो ऐसे हम कार्ड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें लोटस का ये देखिए ऐसे करके शेप देना है। तो एक साइड हम बनाएंगे और दोनों साइड से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये ऐसे करके हम लोटस का शेप देंगे। अब इसको हमें कट कर लेना है, तो हम इसको कट कर निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से कट के हो गया है। अब इस लोटस को हमें पेस्टिंग बकरम हमने रेड कलर का ये लिया है और इस पर अब हमें इसको बैक से रखते हुए इसको शेप बनाना है। शेप बना करके फिर इसको हमें स्टोन चेन से हम डेकोरेट कर लेंगे। तो हम पहले इसको ऐसे करके शेप बना लेंगे और शेप बना के इसको हमें कट करना है। कट करके फिर हमें इसमें डेकोरेट करना है। तो ये हम ऐसे करके पहले शेप बना लिया, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये पैच कट कर लिया है। अब इसमें हम स्टोन लेंगे और स्टोन चेन इसमें हमें ऐसे कवर करना है। तो जैसे हमने शेप दिया है सेम प्रोसेस से हमें इसमें ऐसे ये जैसे जो लोटस का जो कलियां होती हैं लीफ, ये देखिए ऐसे करके हम ऐसे उठाएंगे पंखुड़ी जिसे कहते हैं, और उसको हमें ऐसे करके यूँ शेप में देते हुए हमें इसको कट करना है। तो ये देखिए हम ऐसे शेप में लेते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे और जितना आ रहा है उतना कट करेंगे। फिर जो हमें टेढ़ा मिलेगा उसमें हम इसको लगा लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये पूरा डेकोरेट कर लेना है। तो ऐसे ये बहुत सुंदर पैच बनके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे, ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लोटस कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस तरह से ये देखिए लोटस कंप्लीट कर लिया और इसको ड्राई करके सुखा लिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हमें डेकोरेट करना रहेगा, तो अब हम डेकोरेट करेंगे। तो हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है जैसे आप देख रहे हो, इससे हम जब पेस्ट करेंगे तो आसानी से ये पेस्ट हो जाएगा और जब वॉश भी करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो देखिए कमर पे हम ऐसे कुंदन लगा रहे हैं, कुंदन लगा के हम इसमें एक और कुंदन रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये कमर पे, अब देखिए जो पैच बनाया है इसमें हम ग्लू लगा करके ये लटकन हम इसमें रख देंगे। तो ये हमने 5 लेयर लटकन बनाई है और मोतियों की बनाई है। मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स बताइएगा, जब मैं मुकुट बनाऊंगी तो आपको बनाना बता दूंगी। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम इसको ये थ्रेड जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम जो लोटस है उसको भी इसमें पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए अब इसको हमें पेस्ट कर लेना है। तो हम ऐसे करके दोनों पार्ट को ऐसे पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे देखिए हमें लोटस रखना है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ये लोटस के ये फ्लावर रखेंगे और फ्लावर रखने के बाद नीचे हम लेस वाली पैच आती हैं, आपको आसानी से इजली मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो कोई भी पैच ऐसे लेकर के यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हो, कोई फ्लावर भी लगा सकते हो। तो हमने ये मैचिंग की येलो कलर की पैच लगा ली। तो ऐसे पूरा हमें राउंड में कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत प्यारी ये ड्रेस बनके तैयार हुई है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है जैसे आप देख रहे हो। और अब चलिए इसकी चोली बनाना बताते हैं। तो देखिए हमने सलील का कपड़ा लिया है, इसकी लेंथ हमने जो चौड़ाई है वो हमने इसकी 3 इंच ली है, ये देखिए 3 इंच है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने इसकी 6.5 ली है, यानी 6.5 ली है। ठीक है, सेम साइज़ का हमने इसका बेस भी लिया है। तो हम ऐसे बेस इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और रख करके फिर हमें इसमें ड्रॉल करना है, निशान लगाना है, क्योंकि हम इसको हाथ से सिल रहे हैं, विदाउट सुइंग मशीन से हम इसको सिलेंगे। तो हमें देखिए क्या करना रहेगा, हम पहले देखिए ड्रॉ करेंगे, मिड इसका निकालेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हम लेंगे तो हमारा 3.5 आएगा, 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन हम खींचेंगे। तो हमें 4 इंच तक सीधी लाइन खींचनी है। तो हम ऐसे करके 4 इंच तक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे करके। अब हमें इसको कपड़े को फोल्ड करना रहेगा। अब देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अब हमें इसमें नेक निकालना रहेगा। तो ऐसे बराबर से फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करना है और फिर इसमें नेक का शेप देना।
तो देखिए हमने ये दे दिया है, अब इसको हमें ऐसे करके पहले नेक हमें कट करना है, तो हम ऐसे टेढ़ा ऐसे कर रहे हैं, तो पहले हम कैंची टेढ़ी करेंगे क्योंकि हम थोड़ा वी शेप में देंगे, फिर हम ऐसे करके यू निकालेंगे। तो इस तरह से ये निकाल लिया है, तो ये मेरा आ गया है। अब जो हमने लाइन खींची है, लाइन पे हमें इसमें कट लगा लेना है, तो हम ऐसे रखेंगे और लाइन पे पूरा हमें जो हमने लाइन ली है, ड्रॉ करी है, इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमें एक पार्ट उठाना है, अब यहाँ पे हमें इसको सिलाई करनी है, तो हम इसमें सिलेंगे, सुई की हेल्प से हमें सिलना है। तो देखिए हमें ये पूरा राउंड ऐसे करके कंप्लीट करना है, हम ऐसे करके यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा जितना हमने कट किया है नेक लेके बैक पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जैसे नेक कंप्लीट किया है, ऐसे ही हमें इधर साइड से भी कंप्लीट करना रहेगा। तो सेम प्रोसेस से हम इधर साइड भी सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। जैसे हमने इधर से सिला है ऐसे करके गोलाई में, ऐसे ये हम ये सिलते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने जो नेक किया है इसमें हमें नॉचेस देना है, हल्का सा कट देना है, जैसे ये आसानी से हमारा राउंड में फोल्ड हो जाए और घूम जाए, प्यारा सा नेक का शेप आ जाए। तो हम हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे नेक पे, और कट लगाने के बाद फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ऐसे बस हमें उठाना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे कर देना है, जो हमारा बेस का पार्ट है उसको हम पीछे ले आएंगे। तो ऐसे लाते हुए हमें इसको अभी यहाँ पे फिर से हम सुई की हेल्प से सिलेंगे। तो इससे ऐसे देखिए ये बैक में पूरा हमारा आ गया और चोली का शेप आगे की तरफ हो गया, ये हमारा बेस पीछे की तरफ आ गया। अब इसमें हम सिलाई करके एक साइड हमें दोनों साइड से हमें इसको सिलाई करनी रहेगी, कवर करके इसको सिलना रहेगा। तो फोल्ड करके हम इसको अब सिलेंगे, बैक वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये सनील वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे सुई की हेल्प से। अब हमें ये पूरा सिल लेना है, तो हम इसको देखिए ऐसे सुई की हेल्प लेंगे से सिलेंगे। तो ये ऐसे हमें छोटा छोटा टक लगाना है, फ्रंट में ये छोटा छोटा टक आए और बैक से जैसे ना दिखे, तो बैक में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आगे की तरफ हमें बहुत छोटा छोटा सा टक लगाना है, जैसे छोटे छोटे सा हमें सिलाई का जो थ्रेड है वो दिखे नहीं, इतना टक लगाना है। तो ये ऐसे करके हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए हमें ये पूरा सिल लेना है। तो इस तरह से हमने देखिए कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए हैं, और लास्ट में जो बैक का पार्ट है उसको भी हमें ऐसे करके फोल्ड करना है, और फोल्ड करके हम इसको भी सिल लेंगे, जैसे ये पूरा कवर हो जाए और हमारा कोई भी पार्ट खुला ना रहे। तो ऐसे करके हमें दोनों साइड ऐसे ही सिल लेना है। तो हम ये देखिए अंदर करेंगे दोनों पार्ट को, आगे और पीछे पार्ट को, और हमें ये टक लगाते हुए सिल लेना है, छोटा छोटा टक लगाना है और सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये चोली का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ऐसे करके दोनों पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से दोनों तो देखिए सिल लिया है, अब इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जैसे हम ड्रॉ करेंगे, और इसमें हमें पतली सी सिलाई कर लेनी है डायगोनल, जिससे हमारा चोली का शेप आए। तो हम इसको सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम आप टिश्यू ले लगा सकते हो, हम यही कपड़ा लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके बराबर से रखना है, जितना हमारे लड्डू गोपाल के कमर में बन जाए, और उतना लेते हुए हमें इसको यहाँ पे सिल लेना है, सिल करके बैक सके फिर हम इसको फोल्ड करके भी सिल लेंगे। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है और मैंने चोले में नेक पे स्टोन लगा दिया है और नीचे पैच येलो कलर का लगा दिया है और बहुत प्यारी ये ड्रेस लग रही है जैसे आप देख रहे हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।